वेलकम बैक टू अंदर वीडियो गाइस। तो कैसे आप लोग आए, पाप सब मस्त होंगे। तो आज किस वीडियो में एक बहुत ही शानदार यूनिक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आज किस वीडियो में वो टेबलेट भी है, फ़ोन भी है, लैपटॉप भी है, मतलब तीनों चीज़ों एक साथ कंबाइंड में आती हैं गाइस। जो तो गाइस बहुत ही शानदार चीज़ है। तो गाइस ये डेल की तरफ से एक बहुत ही शानदार टेबलेट देखने को मिलता है। टेबलेट है डेल का, ये आप लोगों के ऑल इन वन काम कर देगा गाइस। तो गाइस इस टेबलेट का नाम है डेल XPS 13। तो गाइस 2 in 1 है। डेल ने क्या क्या चीज़ें पैक की है, क्या क्या चीज़ें पैक नहीं की, इसकी प्राइस के बारे में हम इस वीडियो क्लास में बात करेंगे। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चिन्ह किया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यार आप लोगों को छोटे भाई का चैनल समझ के सब्सक्राइब कर लिया करो। इस चैनल में जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेल इस टेबलेट के साथ में क्या क्या चीज़ें पैक करके भेजती है। इसके साथ में 45 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। इसके साथ में USB Type-A to C अडेप्टर देखने को मिलता है और Type-C 3.5 mm जे अडेप्टर देखने को मिलता है। इसके साथ में जो इसका प्लास्टिक का केस आता है उसके साथ में इसका कीबोर्ड भी लगा हुआ है गाइज। जो इसका केस है उसको आप लोग स्टैंड की तरह भी यूज ले सकते हो। और गाइज इसमें आप लोग सिम लगा के फोन की तरह यूज ले सकते हो, टेबलेट की तरह यूज ले सकते हो, लैपटॉप की तरह भी आप लोग इसको यूज ले सकते हो। मतलब तीन चीज़ों का काम इसमें एक में कर सकते हो गाइज आप लोग। और गाइज इसमें ऊपर की ओर पावर अनलॉक बटन देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाता है। इस टेबलेट में 2 USB Type-C पोर्ट देखने को मिलते हैं, नीचे की ओर कनेक्टर पिन देखने को मिलती है और इसमें स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है। और गाइस इसमें सिम कार्ड का ऑप्शन भी मिलता है। ऊपर से इस टेबलेट में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने का ऑप्शन भी मिलता है और इस लैपटॉप में NFS वायरलेस चार्जिंग कनेक्शन भी मिलता है। और गाइस इसके साथ में एक पेन मिलता है जिससे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। इसके साथ में इस पूरे लैपटॉप का वेट है 13 ग्राम। ओनली टेबलेट का वेट है 757 ग्राम। और इसकी जो बॉडी है वो एल्युमिनियम की है। एक रेयर कैमरा देखने को मिल जाता है 11 मेगापिक्सल का, इसे आप लोग 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसमें कॉन्फ्रेंस में किसी से बात कर रहे हो जब यूज ले सकते हो इस कैमरे को। इस टेबलेट में 13-inch 3K टच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और इसकी ब्राइटनेस है 500 nits। पर से गोरिल्ला ग्लास विक टच की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। विंडो टाइप टेबलेट है गाइज। इस टेबलेट में 16GB LPDDR4X रैम देखने को मिल जाती है और 512 SSD स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और इस टेबलेट में ग्राफिक कार्ड इंटेल और Iris Xe का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जो इसकी परफॉर्मेंस है वो वेरी गुड परफॉर्मेंस है जिसकी, जिसके अंदर आप लोग मल्टीटास्किंग कार्य कर सकते हो। जो सारी एक्टिविटी करना चाहते हो आप लोग उसके अंदर कर सकते हो पूरी एक्टिविटीज। जो इसकी परफॉर्मेंस है वो एकदम मक्खन जैसी परफॉर्मेंस है। टेबलेट में 49.5 वाट आवर बैटरी देखने को मिल जाती है, 45 वाट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है इसमें। और इस लैपटॉप में विंडो 11 मिल जाती है। इसमें आप लोगों को विंडो के जो अपडेट है लेटेस्ट वो मिलते रहेंगे आगे भी। तो गाइस जिसका कीबोर्ड है वो फुल साइज में देखने को मिल जाता है। तो गाइस जिसमें आप लोगों को बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस मिलने वाला है टाइपिंग के लिए। और जो इसका टच पैड है वो भी साइज में बहुत बड़ा है। टेबलेट की जो डिस्प्ले है उसमें आप लोग कलर देखेंगे वो बहुत ही शानदार कलर दिखते हैं गाइस। इसमें आप लोग जो भी अपना कंटेंट देखोगे उसको आप लोग फुली एंजॉय कर सकते हो। जिस टेबलेट में ऑडियो के लिए 4 वाट स्पीकर्स मिल जाते हैं। कह लेते हैं इस टेबलेट के कनेक्टिविटी के बारे में, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2। वही जिस टेबलेट में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वेरिएंट है i5 12th generation, सेकेंड वेरियंट है i7 12th generation। गाइज इस टेबलेट की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 141,942 रुपये। इसकी लास्ट प्राइस है 177,990 रुपये। पेन है उससे आप लोग बेस्ट चीज़ों को ड्राइंग कर सकते हो और इसे आप लोग बहुत ही कुछ भी लिख सकते हो इससे। इस टेबलेट के अंदर आप लोग तीन चीज़ों का काम कर सकते हो गाइज। इसमें एक तो ऊपर से फ़ोन का काम करता है ये, दूसरा टेबलेट का काम करता है और तीसरा लैपटॉप का भी काम कर देता है ये। बहुत ही शानदार टेबलेट है डेल की तरफ से जिसमें 3 in 1 काम हो जाते हैं इसमें। अगर गाइज आप लोग इसको एडिटिंग और गेमिंग के लिए परचेज करना चाहते हो तो इसको परचेज मत करना, क्योंकि ये गेमिंग और एडिटिंग के लिए नहीं बना। इसमें आप लोग कंटेंट देख सकते हो, इसमें जो आप डेली का रूटीन है उसको कर सकते हो गाइज। तो मिलते हैं कुछ ऐसे टेक से रिलेटेड न्यू वीडियो में, तो चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जब तक टेक बाय, केयर।